छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या ने पूरे सूरजपुर शहर को झकझोर कर रख दिया है। हत्या के विरोध में गुस्साई जनता सड़कों पर उतर आई है और नगर बंद का ऐलान कर दिया है। भीड़ के आक्रोश का शिकार कुख्यात बदमाश कुलदीप साहू का घर बना, जिसे लोगों ने आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित लोगों ने आग बुझाने से रोक दिया। घटना की सूचना मिलते ही सूरजपुर के एसडीएम मौके पर पहुंचे और भीड़ से आग बुझाने की अपील की, लेकिन जनता का गुस्सा इतना था कि उन्होंने एसडीएम पर हमला कर दिया और उन्हें पीटने लगे। किसी तरह एसडीएम अपनी जान बचाकर पुलिस स्टेशन तक पहुंचे। घटना रविवार रात की है, जब तालिब शेख ड्यूटी पर थे। घर लौटने पर उन्होंने पाया कि उनकी पत्नी मेहू फैज और बेटी आलिया शेख घर में नहीं थी, जबकि घर में खून के छींटे चारों ओर फैले थे। उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी और उनकी खोजबीन शुरू कर दी गई। सोमवार सुबह दोनों के शव सूरजपुर से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पीढ़ा के पास नाली नुमा गड्ढे में मिले। पत्नी का शव एक ओर और बेटी का शव दूसरी ओर अधनग्न व्यवस्था में पाया गया। पुलिस जांच में पता चला कि कुलदीप साहू सूरजपुर का कुख्यात बदमाश इस डबल मर्डर के पीछे है। कुछ समय पहले एक अन्य पुलिसकर्मी पर तेल फेंकने की घटना के बाद पुलिस उसकी तलाश में थी, जिसमें तालिब शेख भी शामिल थे। कुलदीप साहू ने बदला लेने के इरादे से तालिब शेख के घर में घुसकर उनकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। बाद में उसने उनके शवों को अपनी गाड़ी में डालकर ग्राम पीढ़ा में फेंक दिया। हत्या की यह घटना शहर में भय और आक्रोश का माहौल बना रही है। पुलिस स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शहर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। अधिकारियों ने मामले की जांच तेज कर दी है और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। कल रात 13 तारीख को दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए थे, उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वहीं पे लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी, उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनको पता तलाश के लिए गया है, तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया और उसकी खोजबीन पुलिस लगी हुई थी। उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया, तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती थी, दोनों ही गायब थे, तो दोनों वहाँ पर कुछ नहीं मिले। तो एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं भी घटनास्थल जाके सारी चीज़ों को देखा। रात भर घेराबंदी की सारी चीज़ें और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, जिसपे उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है उसके द्वारा घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। और चूंकि तालिब शेख प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्ची का उसको न शव या नहीं उपस्थिति वहाँ थी, तो हम रात भर खोजबीन किए। तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है आउटर में, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया है। अलग अलग हम पूरे जिले भर में टीम बनाए हैं और हमारी टीम अलग अलग जगह पर रवाना हुई है। जहाँ कहीं भी होगा हम उसको निकालेंगे। चूँकि ये पुलिस परिवार के ऊपर हमला है और ये इस तरीके मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियां पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये हम इतने विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में नहीं, उस हमारे यहाँ टीम जब हम जा रहे थे तो उसमें संदेही देख के फरार हुआ था और उसी के आधार पे हम लोग जो नंबर जारी हुआ था उसके आधार पे, तो उसमें हमारी टीम के द्वारा उसके टायर पे फायर करके उसको गाड़ी को उस वहाँ पर रोका गया था। तो पुलिस के द्वारा उनके तरफ से भी उसमें हमारी पुलिस पार्टी की तरफ से फायरिंग हुआ है, तो उस पर FIR की कार्रवाई होगी। और चूंकि ये हमारे पुलिस परिवार पे जिस ढंग से हमला हुआ है, तो इस चीज़ को पुलिस उसमें बहुत ही गंभीरता से लेगी और उसके खिलाफ़ हम सख्त कार्रवाई करेंगे।